नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी, विज्ञान का दोनों ही पेपर में बहुत ही महत्व है। आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इन 40 प्रश्नों में से आप कुल कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको प्रश्न अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ जो है ऑक्साइड बनाता है, तो दोस्तों तत्व ए की संयोजकता क्या हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर फार्मूला A3O4 के साथ ए जो है ऑक्साइड बनाएगा तो यहां पर ए की संयोजकता हो जाएगी दोस्तों 4, और ओ की संयोजकता कितनी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ओ की संयोजकता हो जाएगी 3। तो दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है। दोस्तों हम जानते हैं कि बायोगैस को हम जैव गैस के भी नाम से जानते हैं, और इसमें जो है बिल्कुल ठीक है अगर हम मीथेन की बात करें तो लगभग 75%, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 75% जो है मीथेन का प्रतिशत रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनेक्सी अम्ल या फिर हाइड्रासिड्स बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पुष्प के मध्य में स्थित कौन जो है मादा प्रजनन भाग होता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अंडम या फिर कार्पस जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां जो है एन क्या होता है, एन यहां पर कक्ष की संख्या होती है। तो बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2n² बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बायोगैस की तो बायोगैस में मुख्यतः जो है मीथेन गैस पाई जाती है, जो हम पीछे वाले प्रश्न में देख चुके हैं। और दोस्तों बायोगैस में उपस्थित जो है अगर हम विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बाकी अगर हम तीनों की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह तीनों ही बायोगैस के घटक के रूप में जानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो जॉन न्यूलैंड जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और दोस्तों वे उस समय तक ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है। और दोस्तों न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो 56 थी। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, थोरियम जो है उनके तत्वों में अंतिम तत्व था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार जो है न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जो है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, इस नियम को सार्थक करता। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यहां से बिल्कुल सही है, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीजन ये है कि कई बार परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न सिर्फ डराने के लिए पूछ लिए जाते हैं। आप यह प्रश्न देखेंगे तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए
शून्य जूल, क्योंकि दोस्तों इसका कारण यह है कि जब कोई ग्रह किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके द्वारा नेट विस्थापन जो है वो कितना हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य भी बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कौन सबसे नमनीय या फिर तन्यशील धातु है, तो विचार करके बताइए दिए गए विकल्पों में से। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो अलोह धातुओं में दोस्तों कार्बन और आयरन की मात्रा नहीं होती है। एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, निकल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि जो है वो सब अलोह धातु के रूप में आती है। तो दोस्तों यहां से सोना जो है, एयू जो है आपका विकल्प सबसे अधिक तन्यशील धातु बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि हम जो फटाफट सांस ले रहे हैं हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है उसे कंट्रोल करता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेडुला मज्जा जो है बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से विचार करके बताइए चारों ऑप्शन पर। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जी दोस्तों सभी का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जीन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए, जो हमारी हेलोजन होती है उसमें जो उच्चतम इलेक्ट्रॉन वाला होता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है, तो दोस्तों इस लाल भूरे रंग की परत को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसे हम जंग कहते हैं, जिसे हम राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जल्दी से विचार करके बताइए चारों ऑप्शन पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जी दोस्तों जिन्हें भी लगता है कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए कि मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर है, फैक्ट है याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है, इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा कि एफ बराबर हमें त्रिज्या के आधा हो जाता है। त्रिज्या कितनी है दोस्तों, हमेशा 30 है और यह 30/2 हो जाएगी और यह हमेशा नेगेटिव होती है, तो दोस्तों 30 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15 और यह नेगेटिव में होती है, तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों एक कंडरा किससे बनाया जाता है, विचार करके बताइए दोस्तों कि एक कंडरा का निर्माण जो है दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा किया जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए केबल फाइलोजन फाइबर द्वारा एक कंडरा का निर्माण किया जाता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों जब किसकी अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, जल्दी से विचार करके बताइए कि दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जब हम एथेनॉल का अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो हमारी चयापचय प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह भी अवनत हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन जो है इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात यदि वस्तु जो है वस्तु की गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में तो वह स्थिर ही रहेगी, और दोस्तों जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल बाहरी बल ना आरोपित किया जाए, तो यहां से बिल्कुल ठीक है,
और एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व जो है उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर डी गति जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बहता हुआ जल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को हम अंडजनन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने ही ब्राउनियन गति की खोज की थी, तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो दोस्तों नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 15, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 22, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 + 22 = 37। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों किसकी रक्त का वह भाग है, कौन रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण को शब्द के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाता है। तो दोस्तों विचार करके बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव को दर्पण के समक्ष रखेंगे तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से कहां विकसित हुआ है। जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में विकसित हुए हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब कोई प्रतिरोध समानांतर बॉक्स क्षैतिज या फिर श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, जब कई प्रतिरोध जो है समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यह सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी जो है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। जल्दी से विचार करके बताइए दिए गए ऑप्शंस में से। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी की रजोदर्शन से महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है, तो यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो दोस्तों यह उदाहरण जो है न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों कि जब एक नाभिक जो है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह जो है गति का तीसरा नियम है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। दोस्तों सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन कहा जाता है, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, एल्केन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं,
दोस्तों निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी हो जाती है? और दोस्तों विटामिन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस नामक रोग हो जाता है। दोस्तों अगर हम विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्न में कौन नग्न बीजी होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो पाइनस जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, पाइनस नग्न बीजी होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विचार करके बताइए दोस्तों चारों ऑप्शन पे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रकृति में सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद हैं? तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर उनका स्थान निश्चित किया जाता है। और दोस्तों नई आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त में बांटा गया, तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी 18 समूह और 7 आवर्त बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम होगी किस माध्यम में होगी? जल्दी से विचार करके बताइए दिए गए ऑप्शन में से कि प्रकाश की गति। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी निर्वात में जो है प्रकाश की गति जो है सबसे ज्यादा होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी तापमान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों, जल्दी से विचार करके। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा या फिर धावन सोडा भी कहा जाता है, तो कई बार ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि कपड़े धोने का सोडा या फिर धावन सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, Na2CO3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक खिंचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? जल्दी से विचार करके बताइए, और सभी का उत्तर बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो मधुमक्खियों के काटने पर होने वाला दर्द से राहत हेतु घरेलू तौर पर जो हमारे खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन का स्तर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल बीएसएट ट्रिकी क्लासेस पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।